हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू द फुटबॉल क्लासरूम। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी विंगर्स हैं, जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये है मेरा अल्टीमेट विंगर गाइड। अब आपको अगर विंग का मतलब नहीं पता तो आप ये डायग्राम देख लो और इस फील्ड से आपको आइडिया हो जाएगा कि विंग पोजिशन क्या होता है, ठीक है। और इससे मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक विंगर हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इन्वर्टेड विंगर के बारे में बताने वाला हूँ, और विंगर्स को क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और किन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, क्या आपके रोल्स हैं, क्या आप डिफेंसिव जाएंगे या नहीं जाएंगे, और क्या क्या आपको चीज़ें करनी है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। और क्या चीज़ें आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस है, स्पेशल एडवाइस है जितने भी विंगर्स हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड में जो कि आपको शायद ही कहीं मिलेगी, क्योंकि मैं भी विंगर खेल चुका हूँ काफ़ी टाइम, तो वो मैंने खुद नोटिस करी है वो चीज़, और जो भी मैंने अपने आसपास विंगर्स में ये गलती देखता हूँ उस चीज़ को वो अवॉइड करें। ये चीज़ आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी, और मैंने भी नोटिस किया है कि काफ़ी लोगों में ये गलती होती है, बट वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप एक विंगर हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, या फिर अगर आपका कोई विंगर दोस्त है उसको ये वीडियो शेयर करना, ये वीडियो उनको हेल्प करे एक बेस्ट विंगर बनने में। तो चलिए गाइस, लेट्स रोल। और हाँ गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और तो गाइस इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई भी पोजीशन से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो चाहिए, जैसे कि अगर आपको अटैकिंग मिडफील्डर पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि अटैकिंग मिडफील्डर पे वीडियो चाहिए, अगर आपको साइड बैक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताओ कि साइड बैक पे वीडियो बनाऊँ, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा। जिस टॉपिक पे आप मांगोगे उस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके जितने भी पोजीशन है सब एंड तक क्लियर हो जाए। इसके अलावा और टॉपिक्स होंगे तो बताना, इस टाइप की मैं वीडियो बना दूंगा हर पोजीशन पे। तो गाइस, बेसिकली आपने इस जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था उसमें आपने देखा कि विंग्स होते हैं वाइड कॉर्नर्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी कि जो विंगर्स होते हैं वो मोस्टली बाहर की तरफ रहते हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट, ठीक है गाइस। तो इसमें क्या होता है, उनके पास स्पेस होता है, स्पेस रहता है उनके पास, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो अटैक को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब कई जगह पे आपने देखा होगा जो वाइड फॉरवर्ड्स है वो भी मिडफील्डर का रोल प्ले करते हैं, कई जगह आपने देखा होगा जो वाइड मिडफील्डर्स है वो भी विंगर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है गाइस। तो बेसिकली आपकी क्रॉसिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी एजिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और आप में ड्रिबलिंग की स्किल्स में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वन वर्सेज वन में आप अच्छे होने चाहिए गाइस। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा गाइस, आपको डिफेंस को भी सपोर्ट करना है जब आपके पास पोजेशन नहीं है, यानी कि जब दूसरी टीम के पास बॉल है तो आप अपोनेंट के वाइड मिडफील्डर्स और साइड बैक्स के ऊपर अच्छा चेक रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि अगर आप उनके पास पोजेशन है तो आप उनको चार्ज करें, और अपनी टीम को डिफेंसिवली भी सपोर्ट करें, पीछे सपोर्ट प्रोवाइड करें। जब आपको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है दूसरी टीम के लिए, तो आप पीछे जाएं और एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि गाइस आपको पता है एज ए विंगर आपको वन ऑफ द मोस्ट रनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको भागना पड़ेगा, आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, अप डाउन बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक फॉरवर्ड सपोर्टिंग प्लेयर हूँ तो मैं आगे ही रहूँगा, ऐसा नहीं है गाइस। एक विंगर के होते हुए आपको पीछे से बॉल विन करके भी लानी है, और काउंटर्स पे भी आपको हेल्प करनी है, ठीक है गाइस। आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है, जो आपका एक्सेलरेशन है उसको आपको इम्प्रूव करना है गाइस। इसके अलावा एक और क्वालिटी आपको अगर आप डेवलप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका नाम है कट इन। अब रोनाल्डो चॉप अगर आपने देखा हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रियल मैड्रिड में अगर आपने देखा हो, तो लेफ्ट साइड पे वो रहते थे, ठीक है, जबकि आपको पता है कि स्ट्रांग फुट उनका है राइट। तो उनका जो वो रोनाल्डो चॉप है, जो डिजाइन ही इसीलिए है, अनसाइड कट लेके वो शॉट लेते, ठीक है, कट एंड शॉट। तो आपकी शूटिंग की एक्यूरेसी, आपकी फिनिशिंग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम आएगी अगर आप अच्छे हो तो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाली है। बट क्रॉसिंग स्पीड, जो पीछे पॉइंट बताइए, आपको अपने इंप्रूव करने ही पड़ेंगे गाइस, ठीक है। इसके अलावा जो ये कटिन वाली बात मैंने आपको बताई, रोनाल्डो वाली, ये आपकी एडिशनल में आ सकती है। और अगर आप एक इन्वर्टेड विंगर खेलते हो, इन्वर्टेड विंगर का मतलब है अगर आपका राइट फुट स्ट्रांग है और आप लेफ्ट विंग पे खेलते हो तो आप इन्वर्टेड विंगर हो, और आपका अगर लेफ्ट फुट स्ट्रांग है और आप राइट विंग पे खेलते हो तो भी आप इन्वर्टेड विंगर हो। आपको कटिन आपका अच्छा होना चाहिए गाइस, क्योंकि वहाँ पे आप डिफेंस को पेनिट्रेट करते हो, और यही मेरी जो प्रो टिप है जो मैं आपको एंड में देने वाला हूँ, ये वही है कि विंगर्स के, मतलब वैसे हर एक के तो नहीं, बट जो नया विंगर रहता है उनके माइंड में ये चीज़ रहती है कि विंगर हूँ यानी कि मैं वाइड जा सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कभी कभी क्या चांस होता है, काउंटर का चांस होता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जब आपके पास वन ऑन वन है और फिर सिर्फ गोलकीपर है, तो वहाँ पे भी कई लोग क्या करते हैं, वो वाइड चले जाते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे वो कोशिश करें कि वो जितना गोल से क्लोज हो सके उतना जाए, क्योंकि अगर आप वाइड जा रहे हो तो आप अपना एंगल छोटा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप खुद सोचो, आपके पास बॉल है और आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हो तो गोल से आपका एंगल छोटा हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप अंदर की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको गोल की फुल रेंज दिख रही है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप
बाहर से क्रॉस दोगे, आप थोड़ा सा क्लोज आके भी एक अच्छा क्रॉस डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर लेफ्ट विंग की तरफ बॉल चल रही है, ठीक है, और अगर आप राइट विंग पे हो, तो ये गलती मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को करते हुए देखा है। आप बोलोगे कि क्या बच्चों वाली बात बता रहा है, पर हाँ गाइस, मैंने ये देखा है। चाहे आप इसको लापरवाही ले लो या फिर जो भी ले लो, पोजिशनल नॉलेज ना होना ये भी बता सकते हो, बट जब लेफ्ट विंग के पास बॉल है, लेफ्ट विंग से बॉल आ रही है, तो जो राइट विंग वाला प्लेयर है वो हमेशा अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है गाइस। अंदर की तरफ मूव करके वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अटैक पे, ताकि वो भी चांस क्रिएट कर सके। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने फिनिशिंग पे भी ध्यान दो और शूटिंग वगैरह इंप्रूव करो, वॉलीज की प्रैक्टिस कर सकते हो एडिशन में, ठीक है। ये तो न्यूट्रल ये, इसके अलावा जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताए थे वो थे आपके एक विंगर के पॉइंट्स, ठीक है। बाकी पोजिशन वगैरह आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइस। आज की मेरी वीडियो में इतना ही, अगर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगती है, कोई गलती हो तो भी लिख देना गाइस, ठीक है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस, पीस आउट।